चितरंगी तहसील में रमडीहा ग्राम में जो 6 और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए थे, सभी स्वस्थ है और स्थिर है। उनको उसी ग्राम में पास में एक कोविड केयर सेंटर के रूप में नया ग्राम पंचायत भवन को विकसित किया गया है। उसमें बिजली, पानी, अन्य व्यवस्थाएं सुदृढ़ किया गया है और उन सबको उधर शिफ्ट किया जा रहा है। कल कई लोग मतलब इसमें मतलब डर रहे थे, लेकिन सबको मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमको बीमारी से लड़ना है, बीमार व्यक्ति से ऐसा कोई लड़ना नहीं है। और सभी उधर अलग से रहने से जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे और बहुत जल्दी लौटकर अपना घर पे रहना भी चालू कर सकते हैं। कल इन सभी व्यक्तियों के जो अपने परिवार के सदस्य हैं, जो अन्य कॉन्टैक्ट जो है, जो मुंबई से लौट कर आए हैं, इस प्रकार 49 लोगों का सैंपल उसी ग्राम से लिया गया है, रमडीहा और ठटरा से। इसके अलावा और बाहर देवसर सराय सब मिलाकर कल 72 सैंपल लिया गया है। सबको मैं जानकारी बताना चाह रहा हूँ कि अभी सैंपलिंग मैंने काफ़ी बढ़ाया गया है। अप्रैल मैंने सबसे पहले मार्च में केवल 12 सैंपल लिए गए थे, अप्रैल महीना में 2020 में 72 सैंपल लिए गए थे, और इसके बाद अभी मई महीना में केवल पहला 20 दिनों में ही ऑलमोस्ट मैंने 250 सैंपल लिया गया है, और कल सब मिलाकर 72 सैंपल लिया गया है। तो सभी लोगों से यही अपेक्षा है कि जिनका ट्रैवल हिस्ट्री है, बाहर से आए हुए हैं और थोड़ी सी भी लक्षण है, उनको बिना हिचक के मतलब हम लोग को जानकारी देना चाहिए, उनका भी सैंपल उनका घर पर ही लिया जाएगा, उनका नाम गोपनीय भी रखा जाएगा और उनको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना जल्दी इस मैंने संक्रमण को मैंने कैच कर लेंगे उतना जल्दी आसानी से बाद में मैंने फैलने तो भी रोक सकते हैं। इसके अलावा मैं सबको एक और जानकारी देना चाह रहा हूँ कि भारत शासन और राज्य शासन ने ट्रू नॉट मशीन की मैंने व्यवस्था किया गया है। ये एक्चुअली ये मशीन टीबी की टेस्टिंग करती थी, इससे अभी मैंने नया किट विकसित हुए हैं जिससे कोरोना का भी टेस्टिंग हो सकती है। अपना जिला में भी इसका हमने ऑर्डर कर लिया है, भोपाल से इंदौर से इसकी ऑर्डर होके 3 दिन में मैंने ये मशीन आने की उम्मीद है। इस मशीन के माध्यम से 1 घंटा में 2 सैंपल, इसका मतलब एक दिन में 24 घंटों में 48 सैंपल की टेस्टिंग हो सकती है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 7 दिनों में जो रीवा ना भेजने की जरूरत पड़े और जो 48 सैंपल प्रतिदिन अपन इसी जिला में जिला चिकित्सालय में से टेस्टिंग कर सकते हैं। इससे अच्छी बात यह है कि हर घंटा में 2 रिजल्ट निकलते रहेंगे तो बहुत क्विकली मैंने टेस्टिंग भी हो जाएगी और अपन जैसे जैसे मैंने मरीज को मैंने पहचान पाएंगे उनको आइसोलेट करके अच्छा ट्रीट करके संक्रमण को रोक सकते हैं। तो सभी लोग मैंने सहयोग करते हुए होम क्वारंटाइन रहे और टेस्टिंग के लिए आगे आके जो भी लक्षण है हमको बता दे और मतलब टेस्ट के लिए सैंपल देने के लिए तैयार रहे। थैंक यू।